हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेम शंकर खाकरे, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट नवोदित्य एकेडमी ऑफ साइंस फॉर अचीवर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेरिवेटिव एंड इन डेरिवेटिव विल स्पेशली स्टडी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड सम प्रूफ्स विच आर बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सो लेट्स बिगिन। Now, while studying derivative of implicit function, one question arises that what is implicit function and what is explicit function? So, here is the answer. A function in which the dependent variable and independent variable are separated or isolated on opposite sides of the equality, that is equal to sign, are known as एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वल टू के साइन के अपोजिट में सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल देख लीजिए आप नीचे, y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस 2। इस एग्जांपल में x जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू अलग आएगी, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू अलग आएगी। सो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, बिकॉज y इज फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। लेट्स डिस्कस नाउ implicit function. So here is a definition: a function in which the dependent variable and independent variables are not separated or isolated on opposite sides of the equality, that is equal to sign, are known as implicit function. So इसका मतलब जो है वो explicit function से पूरा opposite है। इसमें explicit function में हमने क्या किया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वल टू के साइन के अपोजिट में अरेंज किया था। बट इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर हम ऐसे करने की कोशिश करें तो वो सेपरेट नहीं होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर है, वाई क्यूब है और ये वाई है। अगर आपने वाई को कॉमन निकाल भी लिया तो भी यहाँ पर वाई स्क्वायर जो है एक साइड में कॉमन बच जाएगा। तो कम्प्लीटली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में यहाँ पर फंक्शन नहीं आएगा। ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें y और x इक्वल टू के अपोजिट में नहीं आ सकते कंप्लीटली। और एक एग्जांपल देखते हैं। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2x-3। तो यहां पर अच्छे से देखिए, y जो है ये कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है एक साइड में। तो हम यहां पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो x हमारा यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y x के ऊपर डिपेंड करने वाला है, इसलिए हम y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। हर एक x की अलग अलग वैल्यू के लिए y अलग अलग वैल्यूज अटेन करेगा। तो x को हमने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को बोला है डिपेंडेंट वेरिएबल। So, dependent variable is isolated on one side of the equation and independent variable is isolated on another side of the equation. That is like this one. Now, consider the second example, that is of implicit function. X plus y plus sin xy is equal to 0. अब ये जो function है हमारा, इसमें अगर हमने y इज इक्वल टू के फॉर्म में इक्वेशन लिखने की कोशिश की तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस है इधर, ये प्लस उधर जंप करेगा तो माइनस साइन एक्स वाई, और ये जो प्लस x है ये उधर जंप करेगा तो माइनस x आएगा। बट यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ये एंगल में है, साइन के एंगल में है ना यहाँ पर ये एक्स वाई, तो ये एक्स वाई तो सेपरेट हो नहीं सकता, डेट इज आइसोलेट नहीं हो सकता, इसीलिए ये फंक्शन implicit function कहलाएगा, because dependent variable एक side में और independent variable एक side में separate नहीं हुए।
सो बेसिकली हम डेफिनेशन कैसे डिफाइन करने वाले हैं, अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज मिक्स्ड फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, एक तो एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या फिर वाई को एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जो कि यहाँ पर दोनों भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. सो लेट्स चेक हाउ टू डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. सो क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्म ऑफ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो पहले के जितने भी एग्जांपल्स थे उसमें हम क्या कंसीडर करते थे, जो भी फंक्शन रहता था एक्सप्लिसिट फंक्शन के हमने डेरिवेटिव पढ़े अभी तक, उसमें हम पहला ही स्टेप लिखते थे लेट वाई इज इक्वल टू. बट ये एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो फर्स्ट स्टेप एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसा बिल्कुल नहीं लिखना. तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया होता है उसको सेम एज इट इज कंसिडर करिए. सो कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, विच इज एज इट इज द गिवन इक्वेशन और फंक्शन. अब क्या करना है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर ये जो डी एक्स है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, और ये वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हमने यहाँ पर कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये देखो डी डी एक्स इधर आ गया है, डी डी एक्स इधर आ गया है, डी डी एक्स ऑफ सम ऑफ थ्री फंक्शंस. तो यहाँ पर वो एक स्लोगन पता है सभी को, कद्दू कटेगा और सब में बटेगा. तो यहाँ पर ये डी डी एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर के पास बट गया, ये डी डी एक्स एक्स वाई के पास बट गया, ये डी डी एक्स वाई स्क्वायर के पास भी बट गया, और इधर डी डी एक्स ऑफ 100. अब देखते हैं यहाँ पर फंक्शन कैसे कैसे फॉर्म में है. पहला है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आ गया. सेकेंड है डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स आपका पहला फंक्शन वाई आपका दूसरा फंक्शन, डेट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. यहाँ पर है डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डेट इज अब ये वाई क्या है, तो वाई इज अ अननोन फंक्शन इन एक्स. तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन. इसमें भी वही होगा, पावर आगे आएगा, पावर एक्स से कम आएगा, बट ये एफ ऑफ एक्स अननोन फंक्शन है इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव होगा. और लास्ट में आया डी डी एक्स ऑफ 100, डी डी एक्स ऑफ 100 दैट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. कॉन्स्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव होता है जीरो. यहाँ 1000 ले लीजिए, लाख ले लीजिए, करोड़ ले लीजिए, कोई भी कॉन्स्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा. तो हमने यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूलेज यूज किए. नेक्स्ट है एक्स टू द एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर आगे पावर एक्स से कम, प्लस ये एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने यहाँ पर, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर का फिर से कंपोजिट फंक्शन लगा दिया है, पावर आगे पावर एक्स से कम, फिर से वाई का डेरिवेटिव और इधर जीरो. अब नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, जैसे यहाँ पर ये पहला टर्म ये वाला और सेकेंड टर्म ये इधर यहाँ पर ये वाला, तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे एक साइड में अरेंज करेंगे और बाकी के जितने भी टर्म्स बचती है उनको इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाएंगे. सो इन नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स को पास में ला लिया और इनको उधर लेके जाना है, जैसे ये यहाँ पर लेके गए हम माइनस टू एक्स माइनस वाई, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा. देन ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा मेन एम है, एक ही डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो यहाँ पर ये तो ये यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस टू आर. अब dy वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई भी टर्म्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके शिफ्ट कर दीजिए, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो dy वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आया माइनस टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू आर. इसको और थोड़ा अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए न्यूमरेटर से बाहर, तो आपको मिलेगा टू एक्स प्लस वाई अपॉन x plus 2y. So this was the simplest method for solving such type of questions, that is to find
the derivative of implicit functions. We can take another example. This is the most important question and frequently asked question in 12th board examinations. That is, if x to the power m dot y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n, then show that dy by dx is equal to y by x. So हम यहाँ पर ये क्वेश्चन से n number of questions बना सकते हैं just by changing the values of m and n. यहाँ पर आप 5, 7 रख दीजिए, 7, 5 रख दीजिए, 6, 2 रख दीजिए, 7, 2 रख दीजिए, n number of problems आप बना सकते हो, या फिर कोई दूसरा अल्फाबेट भी आप ले सकते हो, p, q ले सकते हो, r, s ले सकते हो, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन सभी का मेथड जो है वो सॉल्व करने का सेम ही है. बट यहाँ पर नोट करने की बात एक ये है कि यहाँ ये जो m है एंड n है, दे बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, दैट इज दे बिलोंग टू रियल नंबर्स. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर टेकिंग लॉग लेंगे ताकि ये लॉग की यहाँ पर प्रॉपर्टीज लग जाए और इसको हम आसानी से सॉल्व कर ले. सो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर लॉग ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन. फिर लॉग भैया क्या करेंगे, ये पावर जो है ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर पहले तो लॉग ए प्लस लॉग बी लगेगा, फिर पावर आगे आएगा. इन्होंने डायरेक्ट स्टेप लिखी है यहाँ पर, तो पावर आगे आ गया है m log x प्लस पावर फिर से आगे आया है n log y इज इक्वल टू, ये फिर से पावर आगे आ गया है, दैट इज m प्लस n log ऑफ x प्लस y. नोट करना कि यहाँ पर सबसे पहले log ऑफ a डॉट log ऑफ a डॉट b लगाया है, दैट इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b, फिर उन्होंने पावर नीचे लाया. नेक्स्ट स्टेप में जब ये लॉग की प्रॉपर्टीज लग जाए और ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, तब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो m तो कांस्टेंट है, लॉग x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x प्लस n फिर से कांस्टेंट है, लॉग y का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन y, बट y इज अ अननोन फंक्शन इन x, तो फिर से उसका डेरिवेटिव आएगा dy by dx. m प्लस n फिर से कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के बाहर log of x plus y, that is 1 upon x plus y, ये x plus y फिर से हमारा unknown function, तो इसका फिर से हम derivative करेंगे, लेकिन उसमें x का derivative जो है वो 1 हो जाएगा, plus y का derivative dy by dx आएगा, that is ddx of x और ddx of y. second step में dy by d, n upon, इसको थोड़ा सा हम simplify कर सकते हैं, और dy by dx वाली term एक साइड ला लीजिए, तो यहां पर n अपॉन y dy by dx ये एक टर्म, और ये ब्रैकेट में यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज m plus n upon x plus y plus m plus n x plus y dy by dx. तो ये वाला जो dy by dx वाला टर्म रहेगा हमने उधर शिफ्ट कर दिया, और ये m upon x जो है इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया. फिर dy by dx कॉमन निकाल लीजिए, dy by dx कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इधर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, जितनी टर्म्स लाइक है उतनी काट दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस वाई कट जाएगा, x प्लस वाई कट जाएगा, देन न्यूमरेटर में यहाँ पर ny ny एंड इधर mx mx कट जाएगा, बचने वाली टर्म्स जो है वो है nx माइनस my, इधर भी nx माइनस my, तो फिर से ये लाइक टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी. देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. नेक्स्ट स्टेप में y को उधर सेपरेट कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो dy by dx इज इक्वल टू y by x आ गया, दैट इज द फाइनल प्रूफ. सो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा उसका प्रूफ dy by dx रहेगा. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी है, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भी है, बस m और n का अलग अलग वैल्यू कंसिडर किया है उन्होंने. एक क्वेश्चन है m का वैल्यू 5 है एंड n का वैल्यू 7 है, और यहाँ पर m प्लस n डायरेक्टली उन्हें 12 दिया है, तो वेरी इजी टू सॉल्व. अगर आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया तो
अगर m और n का फिक्स वैल्यू अगर आप ले लेते हो कोई, तो आसानी जाएगी सॉल्व करने में. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इन विच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया है, इसका मतलब कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये ऐसे होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हमने पहले ही डेरिवेटिव के सेकेंड टाइप में पढ़ लिए. तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन में हमें dy by dx is equal to y by x ही प्रूफ करना है. तो क्वेश्चन में कहीं भी यहाँ पर dy by dx में cos नहीं आया है या साइन भी नहीं आया हुआ है, इसका मतलब हमें ये cos इनवर्स को एलिमिनेट करना है. तो एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं. अब जैसे कुछ प्रोफेसर्स का बोलना होता है कि ये cos इनवर्स उधर शिफ्ट हो जाएगा तो cos हो जाएगा. कुछ का कहना होता है कि दोनों ये इनवर्स है तो इसके इनवर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो. अब जैसे cos इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, cos, तो cos डॉट cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1. तो हमने वैसे ही किया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, दैट इज cos. तो ये cos और cos इनवर्स 1 हो जाएगा और यहाँ पर cos ऑफ tan इनवर्स a हो जाएगा. तो फिर यहाँ पर बचने वाली टर्म क्या है, ये न्यूमरेटर 7x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 अपॉन 7x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4. हियर दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज कंसिडर्ड एज डिनोमिनेटर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. यहाँ पर ये पूरा जितना भी फंक्शन है ये कॉन्स्टेंट है बिकॉज a इज कॉन्स्टेंट, तो tan इनवर्स a भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट, और cos ऑफ कॉन्स्टेंट भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव. तो क्वोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो हमने यहाँ पर क्वोशेंट रूल लगा लिया है और इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया है. और आसानी से सॉल्व करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर उधर शिफ्ट करके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको 0 मिलेगा. नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो ब्रैकेट्स है ये आपस में मल्टीप्लाई करना है इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद, और ये माइनस वाली जो टर्म है ये इज इक्वल टू के साइन उधर शिफ्ट करना है तो प्लस वाली टर्म हो जाएगी. तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं, ये डी डी एक्स यहाँ सेपरेट, डी डी एक्स दूसरे ब्रैकेट दूसरे टर्म पे सेपरेट, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक्स से कम, तो क्या हो जाएगा 7 4 20, क्योंकि 7 और 4 दोनों मल्टीप्लाई होने वाले, तो 7 4 20 और एक्स टू द पावर 4 - 1 डेट इज 3 प्लस, ये भी वैसे ही होगा पावर आगे, तो 5 4 20 y का पावर x से कम कर दीजिए तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो 20y³. बट y अननोन फंक्शन, तो dy by dx. आप सोच रहे होंगे कि हमेशा y में ही क्यों करते हैं, x में ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ था इसीलिए फिर से x का डेरिवेटिव नहीं लेते. अगर हम लेंगे तो भी x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो सेम टर्म आएगा. बट y इज अननोन फंक्शन इन x, इसीलिए हम वापस से y का डेरिवेटिव करते हैं. ये कंपोजिट फंक्शन में हमने पढ़ा था. सेम इधर भी वैसे ही डेरिवेटिव निकालना है, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस है. नेक्स्ट आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म इधर फर्स्ट को मल्टीप्लाई, ये सेकेंड को मल्टीप्लाई, सेम इधर भी वैसे ही एरो रिप्रेजेंटेशन है. जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से टर्म्स मिलेगी, जैसे 196x टू द पावर 7 प्लस 140x टू द पावर 4 y³ dy by dx माइनस 140x³ y टू द पावर 4 माइनस 100 y टू द पावर 7 dy by dx इज इक्वल टू सेम, इधर भी वैसे ही मल्टीप्लाई करके आपको ये सारी टर्म्स आ जाएगी. अब आपको ढूंढना है लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स है यहाँ पर ये फर्स्ट, ये 196 वाला और ये 100 वाला. तो ये जो लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स को हम
कैंसल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट बची वाली जो टर्म्स है वो आएगी नीचे. आई थिंक यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस है, सेम टर्म्स चाहिए यहाँ पर. ये प्लस है, ये भी प्लस है. यहाँ पर ये माइनस टर्म करेक्ट है. देन यहाँ पर भी लास्ट वाला जो है 520 is 100, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर. एक करेक्शन कर लेते हैं हम. यहाँ पर ये माइनस टर्म आएगा. ओके सो ये वाला लाइक टर्म जो है, ये वाला टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. देन बची हुई टर्म्स जो है, जैसे ये माइनस वाली टर्म उधर जाके शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, 140 प्लस 140 दैट इज 280. और यहाँ पर ये जो 140 वाला दूसरा टर्म है माइनस में, ये इक्वल टू के साइन के उधर शिफ्ट होगा और आपको वापस से मिलेगा 280. ये 280 और ये 280 वापस से कैंसिल होगा और डिवाइड बाई, ये जो दूसरा बचा हुआ टर्म है ये भी उधर शिफ्ट होगा लेकिन डिनोमिनेटर में. तो ये इधर आ गया डिनोमिनेटर में. जितनी टर्म कटती है काट दीजिए और आपका फाइनल आंसर बचेगा y अपॉन x. सो फिर से प्रूफ जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्सप्रेस हुआ तो हमने वापस से प्रूफ किया dy by dx is equal to y by x. सो सिमिलर क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन द टेक्स्ट बुक, अनसॉल्व क्वेश्चंस, और सेम मेथड से वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं. सेम टू सेम ही आपको करना है. आपके जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं आपको, उसमें ऐसे मे बी 7 to 8 क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स है और इसी के ऊपर बेस्ड है और इसी के जैसे सॉल्व होने वाले हैं. ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड आई विल स्टॉप हियर.